का मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ। मराठी फिल्म जो है ये हमारी जो हमारी मूवी की जो हीरोइन है जिसको हमने अपनी मूवी फ्यूचर मूवी के लिए साइन किया है वो उनकी मूवी रिलीज हो रही है, उनका आज बर्थडे है इसलिए दैट मूवी मराठी मराठी मूवी मैंने किया था। आप लोगों को भी मालूम है कि मराठी मैंने मूवी किया था जानीबा, जिसमें वो मैं इस मंजीर के जी के बेटे को मैंने लॉन्च किया था, सलमान खान भी आए थे। तो जो हमारी मूवी अभी फ्यूचर में अभी आने वाली है, एक तो एक हॉरर मूवी है जो हॉलीवुड के डायरेक्टर हैं, इसकी सारी शूटिंग यूके में होगी और डायरेक्टर का नाम है जैकलिन समरविले जो यूके की है और वो बहुत फेमस है वहाँ की डायरेक्टर, माउंट एकेडमी व्यू की वहाँ की वो है। और दूसरी मूवी जो भी हिंदी में आने वाली है जिसका अभी मनीषा जी ने बताया दिल जो मिल ना सके, ये बिग बजट की मूवी होगी और सारा हम ये मूवी रिलेटेड है, नाम से पता चलता है कैसा इसका आगे स्टोरी होना होगा। तो ये सारी मूवी जो है सो हम पेरिस में शूटिंग करेंगे। तो मनीषा जी के अलावा और कोई कास्टिंग के बारे में आपने सोचा किसी कास्ट करने वाले कोई नहीं? हमारे कास्ट के बारे में मनीषा जी के अलावा और हमारे एक्टर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन इस मूवी के बारे में मैं डिस्क्लोज करूँगा कोई महीने बाद, चूँकि इसके गाने ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुके हैं। लास्ट कुछ महीनों पहले दुबई में ऑलरेडी गाना रिकॉर्ड ऑलरेडी हो चुका है इस मूवी का, तो हम डिस्क्लोज करेंगे कुछ दिनों के बाद, अभी फिलहाल हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। आप काफी पैशनेट नजर आते हैं, सिर्फ प्रोडक्शन बिजनेस में नहीं है और भी कई सारा पैशन है, जैसा आपने देखा क्या पैशन है आपका फिल्म प्रोडक्शन के अलावा, और क्या मतलब आपके अंदर का जो हिडन टैलेंट है या पैशन है क्या है बताना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं, कोई ऐसे टैलेंट नहीं है, सब ऊपर वाले का, आप लोग का प्यार ऊपर वाले का आशीर्वाद से सब कुछ दुनिया में होता है। इन लोगों इस चीज़ों के अलावा मैं स्पोर्ट्स से भी रिलेटेड हूँ, एक डांस स्पोर्ट है भारत में बहुत से लोग नहीं जानते, इवन खेल मंत्री जी से पूछा जाए तो नहीं जानते हैं। मैं इसे कोई 15 साल से जुड़ा हूँ और मैं ऑल ओवर इंडिया का डांस और फेडरेशन का प्रेजिडेंट हूँ। मेरे मोहंती जी हैं जनरल सेक्रेटरी हैं, हमने भारत को 5 गोल्ड मेडल दिलवाया स्पोर्ट डांस में। एक यही डांस है दुनिया में जो स्पोर्ट में आता है और जो रिकॉग्नाइज्ड है ओलंपिक गेम से, साथ ही साथ वो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से। अभी मैं सिंगापुर गया था, अभी इसी इंटरनेशनल हमारी मीटिंग हुई थी जहाँ 104 कंट्री के लोग थे, तो हमारी एनुअल मीटिंग होती रहती है। और हम 2019 में डांस स्पोर्ट का वर्ल्ड ओपन डांस चैम्पियनशिप बॉम्बे में कराने जा रहे हैं और हर एक साल हम नेशनल चैम्पियनशिप भी कराते हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बच्चे मतलब भारत के अंदर ही सिर्फ डांस करके किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं बॉम्बे, ऐसा नहीं है, ऐसा एक स्पोर्ट्स है जिसके बदौलत दुनिया में भी नाम कर सकते हैं। और मुझे खुशी है और मैं गर्व से बोलता हूँ कि मतलब मैंने भारत को 5 गोल्ड मेडल दिलवाया, तो ये बहुत मतलब गर्व की बात है। इसके अलावा मैं छोटा मोटा बिजनेस भी हमारे हैं देश विदेश में, यूरोप में हमारी है बिजनेस है, दुबई में है। इसके अलावा मैं ऑनरेबल प्रोफेसर भी हूँ डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट का, मैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी का भी ऑनरेरी प्रोफेसर हूँ। तो हमारे अलग अलग मतलब क्या बोलते हैं उसको भिन्न भिन्न मतलब काम है। हाँ और इन्होंने मेरे को फिल्म में काम भी दे दिया तो मैं थोड़ा सा एक्टिंग करके बस यही मेरे को समझ में नहीं आता है। मतलब मैं 20 दिन महीने में मैं हमेशा हवा में उड़ता हूँ, अभी से नहीं 19 वर्ष से हमारी मतलब यही लाइफ की ये स्टाइल है, थकता भी नहीं हूँ मैं। प्लेन से लैंड करने के बाद 12 घंटे लैंड सफ़र करने के बाद फिर मीटिंग कर लेता हूँ, ये सब क्या आप कर सकते हैं, आप लोग का प्यार है, माँ बाप का आशीर्वाद है और क्या कह सकते हैं। सर आपने गोल्ड मेडल भी दिलाया है तो क्या कारण है आपको रिकॉग्नाइज नहीं मिला आपके इतने टैलेंट को, आपने इतने नहीं हमें किससे ऐसा है कि मैं मेरे को ऐसा कुछ लोग होते हैं जो फोटो खिंचाना चाहते हैं किसी के साथ कुछ दिख, मेरा कभी ऐसा फैशन रहा नहीं, मैं काम में विश्वास करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैंने की है, मुझे अंदर से मुझे खुशी, आगे भी मैं कर रहा हूँ तो इससे ज़्यादा मेरे को खुशी होती है एज कम्पेयर टू कि हम सब जगह आ जाएं न्यूज़ में और मैंने ये किया मैंने वो किया। अभी आपने अचानक ऐसा पूछ दिया तो मेरे को बताना पड़ गया, अदरवाइज भी सब चीज़ से मैं अलग हमेशा जनरली रहता हूँ। तो किस तरह से आप जुड़े रहे इस ऑर्गेनाइजेशन से, 15 साल हुआ है तो कुछ इसके बारे में? मैं आपको बताता हूँ, हमारी बेटी जब 6 साल की थी जी, हमारी बेटी जब 6 साल की थी उसका नाम है कुमार अंजलिका, तो उस समय से हम उसको वो विदेश में, मैं विदेश में भी रहता हूँ यहाँ भी रहता हूँ, तो उस समय से वो पैशन था डांस का और हमें पता चला कि एक ही डांस है जो वर्ल्ड गेम से रिकॉग्नाइज्ड है
तो मैंने बिटिया को इसी डांस में मतलब ट्रेनिंग देना चालू किया, और वो ट्रेनिंग देने के बाद वो हर एक साल वो सारी दुनिया में, कभी अमेरिका में, कभी जर्मनी में, कभी इंग्लैंड में, वो जब 7 वर्ष की थी तो पहला गोल्ड मेडल जीती इंडिया को रिप्रेजेंट करके ऑस्ट्रिया में, पहला गोल्ड मेडल इंडियन को मिला, ये सारे यूरोपियन लोग कैप्चर करके रखे थे। उसके बाद सब ऊपर वाले का आशीर्वाद, वो आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए। उसने इवन लंदन में जो लिवरपूल करके एक होता है वो वर्ल्ड गेम का, उसमें फिफ्थ पोजीशन की, इस बिग थिंग बीइंग ए जूनियर एडल्ट ग्रुप में उन्होंने फिफ्थ पोजीशन किया, तो दैट आल्सो। देन उसके बाद उन्होंने यूक्रेन में गोल्ड मेडल लिया, एंड ऑल द टाइम सी इज रिप्रेजेंटिंग इंडिया बिकॉज ऑफ उसका मतलब अब मैं ही बताना चाहता हूँ। भारत में ऐसा है क्या कि बहुत से लोगों को जानकारी है ही नहीं है कि कोई स्पोर्ट डांस भी होता है। अभी मैंने किसी भाई से पूछा, कोई बैठे थे हाँ इन्हीं से पूछा, तो बोला भाई आपको, उन्होंने बोला क्रिकेट क्रिकेट में, बोला क्रिकेट भाई उन्हीं देशों में होता है जहाँ अंग्रेज लोग हमारे राज किए थे, नहीं 10-15 देश से ज़्यादा क्रिकेट तो नहीं खेलते ना। मतलब दूसरा गेम भी है जो 104 कंट्री खेलता है वर्ल्ड लेवल पे, और हम उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जो मतलब दुनिया भी जाने और हमारा भारत भी उससे आगे बढ़े। तो सर इसके लिए आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे कि इसके बारे में कोई जानकारी हो, अवेयरनेस क्रिएट हो? हाँ, मैं अब वो इसके बारे में बताना चाहता हूँ। हमें कभी कभी गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिला, और मैं लेना चाहता भी नहीं, ऊपर वाले का आशीर्वाद है मैं अपने में सक्षम हूँ। इट्स वेरी एक्सपेंसिव गेम जो स्पोर्ट डांस है, इसके ड्रेसेस, शूज, एवरीथिंग इज एक्सपेंसिव, इवन पार्टिसिपेशन इज आल्सो वेरी एक्सपेंसिव, जिस तरह गोल्फ वगैरह होता है उस तरह का एक्सपेंसिव है। उसके बावजूद भी आई बियर दिज ऑल एक्सपेंसेस, और खुशी कि मैं भारतीय हूँ और भारत का नाम ऊँचा करना है मेरे को अंदर में पैशन है। मैंने, मेरी बेटी भी मतलब इस स्पोर्ट डांस को मतलब मैंने तो ट्रेनिंग दिवाया, लेकिन उसमें भी कैपेसिटी है कि उसने उसको आगे बढ़ के मतलब दुनिया में नाम रोशन किया। तो आप इसे बोल रहे हैं टूर्नामेंट, किस तरह का फॉर्म का डांस होता है? अच्छा, अभी मैं बताता हूँ। और अभी रिसेंटली फ्यू मंथ्स में हम बॉम्बे में एक सेंटर खोल रहे हैं, जो हमारी बिटिया है कुमार अंजलिका, वो भारत में ट्रेनिंग देगी उन टीचर्स को जो अलग अलग स्टेट के हैं, क्योंकि हमारे अलग अलग स्टेट में ब्रांचेज हैं स्पोर्ट डांस के। जैसा कह रहे हैं कि आप टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाने वाले हैं, नहीं हम एक साल नेशनल चैंपियनशिप कराते हैं। हाँ, तो इतने सारे सेलिब्रिटी सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स को, मार्शल आर्ट्स से लेके अक्षय करते हैं, कबड्डी को अभिषेक पूरा बच्चन फैमिली करता है, तो कोई सेलिब्रिटीज को एसोसिएट करना चाहते हैं इस चीज़ से? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको पहले ही बता चुका, मेरे को शौक नहीं है मतलब इन चीज़ों से, ज़्यादा प्रोपेगेंडा से काम में ज़्यादा मैं विश्वास करता हूँ। कोई हमसे जुड़ना चाहेंगे तो क्यों नहीं जुड़े। अब एक स्टोरी आपको बताता हूँ, श्री अमिताभ बच्चन जी आज से कोई 10 साल पहले उन्होंने किसी हमारे एथलीट को कहाँ मकाओ में उन्होंने स्पॉन्सर किया, और मैं हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑल इंडिया डांस फेडरेशन उसका मैं प्रेजिडेंट हूँ, मिस्टर मोहंती जनरल सेक्रेटरी है, और वो संदीप सोपारकर ही इज़ आवर टेक्निकल एडवाइज़र। तो उसने वो जाके उनसे रिक्वेस्ट किया, उन्होंने स्पॉन्सर उस बच्चे को कर दिया, और फिर वो पार्टिसिपेट भी किया। बैड लक या गुड लक, ही कुडंट गेट द यू नो प्राइज। तो ऐसे लोग भी जुड़े थे नहीं, लेकिन मैंने कभी किसी आर्टिस्ट को या किसी क्या सेलिब्रिटीज को नेवर आई हैव अप्रोच्ड, या नाइदर मंत्री को या किसी को कि आप हमसे जुड़ जाओ या मतलब आपका सहयोग चाहिए, ऐसा मैंने कभी किया नहीं है। और अभी फिलहाल जो मैं कोई हमसे जुड़ना चाहेंगे तो अच्छी बात है, देश के लिए भी अच्छा है और एथलीट्स के लिए बहुत बड़ी बात है। आप जो बिजनेस भी करते हैं मतलब एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, मनीषा जी का बर्थडे है, योगा के लिए पैशन है उनको, तो आप कैसे उनको इनकरेज करेंगे इस चीज़ के लिए? आपको मैं बताऊंगा, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि मैं डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट और नेशनल यूनिवर्सिटी जो यूक्रेन में है उसका मैं ऑनरेरी प्रोफेसर हूँ। और ऐसा नहीं कि मनीषा जी योगा जानते हो तो सिर्फ वही जाके कर सकते थे, चूँकि इन्होंने एक फिल्म का गाना किया था यूक्रेन में जाके, और यूनिवर्सिटी वाले लोग को और मीडिया को पता चल गया कि इंडिया से एक्ट्रेस आई हैं जो मतलब फिल्म की शूटिंग चल रही है गाने की, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, बीइंग ए इंडियन दे अप्रोच्ड मी, तब मैं बोला व्हाई नॉट। फिर उन्होंने, मनीषा जी ने वहाँ के डिप्लोमेटिक इंस्टीट्यूट की यूनिवर्सिटीज़ के जो प्रोफेसर हैं लेडीज़,
एंड द स्टूडेंट्स उनको इन्होंने योगा सिखाया एंड देयर बिकम वेरी इम्प्रेस्ड बिकॉज ये मतलब आर्टिस्ट के साथ साथ मतलब योगा में भी एक्सपर्ट है. तो इस साल जो 21st ऑफ दिस मंथ ही इज ऑल्सो गोइंग नाउ, ही हैज ऑलरेडी इन्वाइटेड फ्रॉम देयर. 21 तारीख को जो वर्ल्ड योगा डे है उसमें सारे देश में ऑल एम्बेसीज हैज बीन गिवन टू द इंस्ट्रक्शन कि भाई योगा को आगे बढ़ाना है, तो अरेंजमेंट करते हैं. साथ साथ इनको सेपरेटली बुलाया गया वंस अगेन योगा मतलब को बढ़ाने का, तो अच्छी बात है. वर्ल्ड लेवल पे है और वर्ल्ड डे है योगा का, तो खुशी की बात है. और मैं बड़ा योगा करने वाला नहीं हूँ, मैं बचपन से मैं योगा करता हूँ, बाकी मैं कोई एक्सरसाइज नहीं करता और मैं आपके सामने फिट हूँ. आई एम 55 ईयर्स. आगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को किस तरह से योगदान देने वाले हैं, फिल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं और क्या विजन है? नहीं ऐसा क्या, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. फिल्म इंडस्ट्री में जब 19 वर्ष का था ना, जब एयरपोर्ट से क्रॉस करता था तो हमको पुलिस वाला सिक्योरिटी वाला पकड़ लेता था, बोलता था सर आपको मैंने टीवी पे देखा है. किसी ने पकड़े बोला सर आपकी मूवी कब आ रही है. जिनकी मतलब कहीं मैंने कुछ किया नहीं, जबरदस्ती मेरे को पकड़ लेते. तो मैंने सोचा यार सब पकड़ ही लेते हैं, लेकिन मेरा लाइफ में था कुछ अपने एडुकेशन को कंप्लीट करना. आगे साइंस में था मैं, आई हैव डन माय बीएससी फिजिक्स ऑनर्स फर्स्ट क्लास. उसके बाद मैंने एमटेक किया कंप्यूटर इंजीनियरिंग, देन आई हैव डन दिस लॉट ऑफ थिंग्स इन स्पेस टेक्नोलॉजी. तो मैंने सोचा अब ये सब तो ख़त्म हो गया जितना मेरे को एडुकेशन में और सब कुछ में करना था. फिल्मी दुनिया में भी लोग डिमांड कर रहे तो देखते हैं. तो अंसारी जी ने बोला सर आप छोटा सा एक रोल है. मैंने बोला हमको तो एक्टिंग तो करने आता नहीं है. तो अंसारी जी बोला भाई सल्लू की शादी सलमान खान के विषय मतलब बारे में है उनके, और उनके फैन तो सारी दुनिया है, हम भी हैं क्यों नहीं. तो मैंने बोला ठीक है आप बोलते हो तो मैं कर लेता हूँ. तो मैं इनके साथ जुड़ गया, मतलब इनके साथ मैं जुड़ गया तन मन और धन से. ये है क्योंकि उसी तरह मैंने जो फिल्म रुकी हुई थी जानीबा मराठी फिल्म, महेश मांजरेकर के बेटे की फिल्म रुकी हुई थी, उस समय मेरे पास आया था कि मैं इस फिल्म को फाइनेंस करूं, और मैंने फाइनेंस किया और फिल्म रिलीज हुई. आज हमारे सल्लू की शादी भी फिल्म आधा रुकी हुई थी. तो सब आप लोगों का प्यार जो भी हो, हाँ तो मेरे को डिले ऐसा है, कुछ सेंसर बोर्ड की चीज़ें हैं, गाने हैं, ये है, तो चीज़ें फिल्म सल्लू की शादी है जी, किसी नॉर्मल आदमी की शादी नहीं है. सुनिए आप, सुनिए, वो नॉर्मल आदमी की शादी नहीं है कि किसी लड़की को पकड़ा कोर्ट में गए और शादी हो गई. ये सल्लू की शादी है. सल्लू की शादी के लिए कितनी चीजें आपको तो पता ही है ना, इतनी आसानी से थोड़ी हो जाएगी. और उसके लिए बहुत पूरी तैयारी, जैसा कि नाम है भाईजान के नाम से जुड़ी हुई है तो उसी लेवल पर रिलीज हो रही है. और इसमें कुछ प्रॉब्लम सेंसर्स की भी थी, गाना काट दिया. बाकी की सारी तैयारियां हमारी चल रही हैं, प्रोमो अभी आ जाएंगे, 2-4 दिन में प्रोमो आना शुरू हो जाएंगे. और पोस्टर हमारा, सॉरी टू इंटरप्ट, असली बात तो बताओ ये मूवी सबसे पहले मैं हम लोग उसको कहाँ कहाँ करने जा रहे हैं? अभी हमारा जो है ना यूक्रेन, दुबई, रीगा, हर जगह हमारे जो है वहाँ से ऑफर है, वो फिल्म देखना चाहते हैं, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं दिखाने के लिए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. डिले है कहाँ, मेरा अभी पोस्ट प्रोडक्शन अभी कंप्लीट हुआ है और उसके बाद में सेंसर में गई, सेंसर में एक गाना काट दिया. तो अब मैं क्यों काटा, अब वही तो मैं जानना चाहता हूँ क्यों काटा. एक तो गाना बिल्कुल काट दिया, अमित मिश्रा का गाना इतना अच्छा बिल्कुल काट दिया, और दूसरा गाना एक उसका जो है वोकल ही उड़ा दिया उन्होंने. अब हम लोग ये सोच रहे हैं, अभी अंडर कंसिडरेशन है कि क्या करें, या तो हम कोर्ट में जाएं या फिर उसको रीसेंसर के लिए दें. ये सारी चीज़ें चल रही हैं. हमारा फर्स्ट टीजर पोस्टर जो है रिलीज़ हो चुका है और प्रोमो शुरू होने वाले हैं. तो ये है सारी चीज़ें चल रही हैं. डिले नहीं है, डिले नहीं है. देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, फिल्में 3-3 साल में बनती हैं, हमारे तो अभी 1 साल ही हुआ है, कहाँ डिले है. आप क्या समझते हैं फिल्म 2 में बन के रिलीज हो जाएगी और फिर इस तरह से नहीं होगी. ये सल्लू की शादी है, मैं कह चुका हूँ आपसे. और आपने कहा था कि 1 महीने के प्रोमो रिलीज हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा. मैं वही तो बता रहा हूँ, जब सेंसर की प्रॉब्लम आई तो कैसे कर देते, बताइए. इंटरव्यू में कहा गया था. हाँ मैं बता रहा हूँ, जब सेंसर के लिए दी वहाँ पे प्रॉब्लम आई. अब मान लिए जो गाना ही कट गया है, अगर मैं उसको ऑन एयर कर देता कैसे चलता, कैसे होता वो. एक फिर आप ही लोग कहते हैं यार ये तो फिल्म में गाना ही नहीं है. उस वक्त हमारी फिल्म का शूट चल रहा था जब आप लोग आए थे. शूट हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक. कंप्लीट होने के बाद पोस्ट चला, पोस्ट के बाद में हमारे टीजर आने शुरू हो गए हैं. लेट नहीं है, बिल्कुल लेट नहीं है. और फिर एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है ना. जैसे कि प्रोमो आ चुका है, सेंसर की तरफ से दिक्कत आई, तो सेंसर ने कुछ आपको
लिखित द्वारा दिया रहेगा कि हाँ मुझे लेटर दिया उन्होंने दो गानों के लिए, दो गानों क्या लिखा है, दो गानों के लिए लेटर दिया है, वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वहाँ पे मैं जाने तैयार हूँ। एक गाना तो उन्होंने बिल्कुल काट दिया कि ये गाना नहीं चलेगा, वही मैं जानना चाहता हूँ क्यों नहीं चलेगा। एक गाने में हुक का वर्ड है, प्रॉब्लम है सकते हैं क्या गाना ये लोग, एक हाँ एक गाने पे जो है ना हुक्का वर्ड है, उन्हें हुक्का वर्ड से प्रॉब्लम है, और जबकि हुक्का कितने हुक्के के ऊपर गाने आ चुके हैं सारी दुनिया में, हुक्का ओपन रोड पे सरकार लाइसेंस देती है और हुक्का तो लोग बैठ के पीते नहीं, लेकिन हुक्का वर्ड है तो सेंसर ने तो वो सारी चीजें हैं इस वजह से जो है। और लेकिन अब हो जाएगा स्टार्ट हो गया, प्रशांत सिंह एंड मनु राजीव गाना किसने गाना जो है इसने अमित मिश्रा ने किया, जो बिल्कुल ही उन्होंने गाड़ दिया पड़ेगी तुझे लात लात, तो वो है। और एक हुक्का में जो वर्ड्स की प्रॉब्लम है, वो पहले गाना गाया था नेहा वसीन ने, वहाँ पे अब म्यूज़िक कंपनी से कुछ एग्रीमेंट को लेकर डिस्प्यूट शुरू हुए, तो फिर मैंने उसको दोबारा से गाना गवाया माधवी से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना आसान नहीं है कि आज मैंने उसको किया और स्टार्ट हो गया। पूछिए सर, आपकी फिल्मों में कई सोनू निगम ने गाने गाए, तो सोनू निगम पर एक काफी विवाद हुआ था आसान बोली के, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अब अगर वो गलत बोलेंगे तो लोग विवाद तो करेंगे, हम अपनी अच्छाइयों को लोगों को बता सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की चीज़ों पे अगर हम कमेंट करें तो लोग कमेंट करेंगे। जबकि अजान को लेकर जो उन्होंने बात की उस पर कितने रिएक्शन हुए आपको पता ही है, और हमारी फिल्म में उन्होंने जो इस्लाम मज़हब में एक वर्ड है बहुत ज़्यादा फेमस बिस्मिल, जो हम शुरू करते हैं, मतलब उसका मीनिंग है कि बिस्मिल शुरुआत करते हैं, और हमारी फिल्म में उन्होंने वही गाना गाया बिस्मिल है बिस्मिल है बिस्मिल है प्यार की। तो अब उन्होंने अपने रिलीजियस व्यू से किससे क्या अजान के बारे में क्या कहा वो एक अलग चीज़ है, बट हमारी फिल्म में उन्होंने बिस्मिल करके गाना गाया जो अरबी वर्ड है। देखिए उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है, क्या उसमें सच्चाई है वो मुझे नहीं पता, तो मैं कैसे कमेंट कर सकता हूँ, वो सारी बातें वो जानते हैं। पब्लिसिटी सेंड करते आपको लगता है? नहीं नहीं मैं कैसे कह दूँ, वो तो वही उनका अपना है, फिल्म में कुछ ऐसा रहा होगा जो उन्होंने कुछ कहा है, मुझे पता ही नहीं है उस फिल्म के बारे में, तो मैं कैसे कह सकता हूँ। अब मैं भी नहीं के साथ में सहमत, मैं कोई फिल्म देखता ही नहीं। वो फिर भाईजान को जहाँ तक जो है मैं समझता हूँ उन्हें कुछ कंट्रोवर्सी या कुछ कमेंट करके कहने की ज़रूरत नहीं है, उनका नाम ही काफ़ी है कि सलमान खान की फिल्म आ रही है, लोग अपने आप जाते हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है कि पब्लिसिटी स्टंट बनाए और ये करें, कुछ तो रियलिटी होगी उसमें जिस वजह से वो बोले हैं। आपको लगता है बाहुबली का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? हम तो दुआ करते हैं जो भी नई फिल्में आए हर फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे जाएं, जिससे इंडस्ट्री का फायदा हो, हम सब लोगों को एंटरटेन करें। थैंक यू, थैंक यू।